चंदन का तिलक तो सभी ग्रहों को मजबूत कर सकता है। चंदन का तिलक लगाने के कई चमत्कारी लाभ हैं। चंदन का आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक दोनों ही तरह से महत्व है और ये सेहत के लिए भी लाभदायक है। तो आइए, तमाम तरह की चिकित्सा और दवाओं में भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। अब आपको चंदन के कुछ और गुणों के बारे में भी बताते हैं। चंदन से करें ईश्वर का अभिनंदन। दूर होंगे कष्ट, प्रसन्न हो जाएगा मन। आचरण को शुद्ध और विचारों को सकारात्मक बना देता है चंदन। चंदन के प्रयोग से दैवीय कृपा तो मिलती ही है, साथ ही इसके और भी लाभ हैं। चंदन का जितना आयुर्वेद में महत्व है, उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है। चंदन के तिलक के पीछे केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो रोजाना चंदन का तिलक लगाने से कुंडली के कई ग्रह दोष अपने आप ही दूर हो जाते हैं। अगर हमारे नवग्रह कुंडली, जन्म कुंडली में नवग्रह से जनित कोई भी दोष है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग चंदन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मन विचलित है तो यह चंद्रमा का कारक होता है, इस वजह से हम लोग चंदन का दान कर सकते हैं या चंदन का प्रयोग करने से हमारे चंद्रमा ग्रह ठीक होंगे। इस वजह से हम लोग का धार्मिक अनुष्ठान में चंदन का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंदन जो होता है ये शीतलता प्रदान करता है, तो हमारे जीवन में अधिक क्रोध न हो, हम लोग क्रोधित न हो, इस वजह से हम लोग चंदन का माथे पर प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारा माथा जो सर है वो शीतल रहे और हमें क्रोध का अनुभव न हो। चंदन से आयुर्वेद में तमाम तरह की औषधियां बनाई जाती हैं। चंदन के चूर्ण को कुछ विशेष तरह के पदार्थों में मिलाकर आयु वृद्धि की औषधियां बनाई जाती हैं। हृदय रोग, त्वचा के रोग और मानसिक रोगों में चंदन के तेलों का खूब प्रयोग होता है। सुगंध चिकित्सा और पंचकर्म में भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद की कई औषधियों के निर्माण में चंदन का औषधीय उपयोग होता है, जिनमें से विशेषकर सिरदर्द या बुखार की औषधियों में, खुजली या त्वचा से संबंधित औषधियों में, मुख से संबंधित रोग विशेषकर दांतों और मसूड़ों से संबंधित रोगों की औषधियों में चंदन का प्रयोग होता है। वायरल इन्फेक्शन से होने वाले रोगों आदि की औषधियों के निर्माण में भी चंदन का प्रयोग सदियों से होता रहा है। चंदन के शीतल और पुष्टिकर प्रकृति के होने के कारण मन मस्तिष्क से जुड़े रोगों में भी या इनसे संबंधित जो रोग हैं उनकी औषधियों के निर्माण में भी चंदन का प्रयोग होता रहा है। चंदन की सुगंध मन और आत्मा को पवित्र कर देती है। चंदन आस्था से जुड़ा है और ईश्वर की आराधना में तो ये सबसे उपयोगी है। ज्योतिषी मानते हैं कि चंदन का तिलक लगाने के कई तरह के चमत्कारी लाभ हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं चंदन का तिलक लगाने के लाभ। चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिस लें। पहले अपने इष्ट को अनामिका उंगली से तिलक करें, फिर स्वयं को मस्तक, कंठ और नाभि पर तिलक करें। देवी की उपासना में लाल और अन्य में सफेद चंदन का प्रयोग करें। चंदन की सुगंध के नियमित प्रयोग से नजर दोष से छुटकारा मिलता है। चंदन का तिलक लगाने से नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। तिलक चंदन का ही होता है, एक पीला चंदन होता है और एक रक्त चंदन होता है। ये दोनों ग्रह शुभ माने गए हैं। दोनों चंदन जो होता है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और इनसे सभी नवग्रह संतुलित रहते हैं। इस वजह से हम लोगों को चंदन तिलक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि चंदन के प्रयोग से मानसिक शांति तो मिलती ही है, साथ ही एकाग्रता और मानसिक रोगों से रक्षा के लिए चंदन का प्रयोग लाभकारी है। यही नहीं, अगर राहु केतु परेशान कर रहे हो तो चंदन के एक खास प्रयोग से आपको लाभ हो सकता है। देखिए आगे।